सो इसी डीजो वॉच डी की मैंने एक डिटेल रिव्यू बनाया हूँ जिसपे आपको सारा डिटेल्स इसी पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच के बारे में मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका कंपैरिजन बोट वेब कनेक्ट के साथ भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा, उसका जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो में यहाँ पे डीजो वॉच डी को हम कंपेयर करेंगे डीजो की और जो सारे बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच, जिनमें से एक है ये डीजो वॉच 2 और एक है ये डीजो वॉच 2 स्पोर्ट। इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। डीजो वॉच एस है लेकिन यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं था, मुझे कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपैरिजन का यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं था। तो अगर आपको डीजो वॉच एस के साथ यहाँ पे डीजो वॉच डी का भी कंपैरिजन देखना होगा तो जरूर से कमेंट करके बताना। बाकी अभी के लिए देखा जाए कि इन तीनों में से आपको अंडर 3000 कौन सा स्मार्ट वॉच को यहाँ पे खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ मैं यहाँ पे टेस्ट करके बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे कोई यूजफुल वीडियो आए आप उसको मिस ना कर पाए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इनकी जो बिल्ड और यहाँ पे डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वाइंट में यहाँ पे आपको डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच 2 काफ़ी बेटर देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स है इस पर आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जो बकल है ये भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से चांसेस है अगर यहाँ पे स्ट्रैप को इस तरह से लगा रहे हो, अगर गलती से इस तरह से जोर से खींच दोगे तो यहाँ पे जल्दी खराब हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है स्ट्रैप को चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर जो डीजो वॉच 2 या फिर जो डीजो वॉच डी यहाँ पे आपको प्रॉपर मेटल के बकल देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रैप को लेके तो तीनों की जो स्ट्रैप की क्वालिटी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे 22mm का स्ट्रैप का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे डीजो वॉच 2 में आपको यहाँ पे 20mm का स्ट्रैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे डीजो वॉच डी और यहाँ पे वॉच 2 में मेटल फ्रेम होने के वजह से इसकी जो बजट आपको थोड़ी सी ज्यादा हैवी देखने को मिलेंगे, लेकिन जब यहाँ पे देखोगे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स प्लास्टिक बिल्ड होने के जैसे ये आपको ज्यादा यहाँ पे हल्के देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो तीनों की यहाँ पे ब्राइटनेस आपको सेम देखने को मिल जाती है और आपको यहाँ पे कड़ी धूप में इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको जो रेस टू वेक वाली फीचर देखने को मिलती है यहाँ पे आपको डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे डीजो वॉच 2 में ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्लो देखने को मिलेगा। डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में यहाँ पे आपको डैप टू स्क्रीन ऑफ का भी फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छे से काम करता है, आप जितने बार यहाँ पे स्क्रीन पे हाथ रख दोगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन ऑफ हो जाता है। लेकिन डीजो वॉच डी में यहाँ पे कभी कभार काम करता है और कभी कभार काम नहीं करता है, लेकिन आपको डीजो वॉच 2 में आपको ऐसा कोई फीचर देने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे वॉच की यूआई में बात करें तो तीनों में आपको सेम इंटरफेस देने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स थोड़ी यहाँ पे ज्यादा अच्छे देने को मिल जाते हैं। खास करके यहाँ पे डीजो वॉच डी में 3D कर्व डिस्प्ले होने की वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पे बेटर स्मूथ एक्सपीरियंस देने को मिलता है। डीजो वॉच 2 यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको जिटर वगैरह महसूस होगा, थोड़ी सी आपको यहाँ पे लैग महसूस होगा अगर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स और यहाँ पे डीजो वॉच डी के साथ। और ये तीनों में आपको यहाँ पे मेनू स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू और यहाँ पे आपको ग्रिड व्यू देने को मिल जाती है। यहाँ पे मेनू में मुझे एक चीज जो यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स और यहाँ पे डीजो वॉच डी में अच्छा लगा कि यहाँ पे आपको अलार्म को सेट करने का ऑप्शन देने को मिल जाती है, जो कि आप डायरेक्टली अपने वॉच के थ्रू आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जबकि यहाँ पे डीजो वॉच 2 में आपको यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन देने को नहीं मिलेगा। डीजो वॉच 2 के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाकर आपको यहाँ पे अलार्म वगैरह सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको सेटिंग्स में और एक फिट नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन देने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको और भी हेल्थ रिलेटेड सारा आपको रिमाइंडर भी देने को मिल जाएंगे, जो कि आपको यहां पे डीजो वॉच 2 में देने को नहीं मिलते हैं। और यहां पे इन तीनों स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको यहां पे डीजो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस एप्लीकेशन का जो यूआई है आपको काफी इजी टू यूज देने को मिलेगा। सबसे पहले यहां पे आपको हेल्थ रिलेटेड सारा ऑप्शन देने को मिल जाते हैं, उसके बाद आपको यहां पे इन ऐप जीपीएस का भी ऑप्शन देने को मिलती है और एंड आपको वॉच के रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स देने को मिल जाएगा, जहां पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस भी देने को मिलती है और यहाँ पे आपको कस्टमाइज टाइप की वॉच फेसेस को भी सेट करने की ऑप्शन देने को मिल जाता है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको डीजो वॉच 2 में टोटल आपको यहाँ पे 16 स्पोर्ट्स मोड देने को मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 15 स्पोर्ट्स मोड था, लेकिन एक अपडेट के थ्रू यहाँ पे और एक स्पोर्ट्स मोड बाद में यहाँ पे ऐड हुआ था, लेकिन यहाँ पे डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे टोटल 110 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। वॉच में यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 15 से 20 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, बाकी सारे जो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है ये आपको एप्लीकेशन थ्रू आपको सिंक्रोनाइज
करके अपने वॉच में यहाँ पे अप्लाई करना है, तभी जाके यहाँ पे इसको यूज कर पाओगे। और यहाँ पे आपको तीनों में स्विमिंग की स्पोर्ट्स मोड भी देने को मिलते हैं, क्योंकि आपको ये तीनों 5 ATM सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे आप स्विमिंग के लिए बिंदास इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और ये तीनों स्मार्ट वॉच में आपको यहाँ पे कैमरा कंट्रोल के ऑप्शन देने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल में आपको गाने को प्ले पॉज करने के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम को भी कंट्रोल करने का भी ऑप्शन देने को मिल जाएगा। कोई कॉल आने पे यहाँ पे आपको डीजो वॉच डी और यहाँ पे डीजो वॉच टू स्पोर्ट्स में साइलेंट करने का ऑप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे कॉल को रिजेक्ट करने का ऑप्शन देने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको डीजो वॉच टू में सिर्फ आपको कॉल को रिजेक्ट करने की ही ऑप्शन देने को मिलती है। और यहाँ पे बैटरी लाइफ में यहाँ पे आपको बड़ी इंप्रूवमेंट इसी डीजो वॉच डी में देने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टोटल 14 days की बैटरी लाइफ देने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको डीजो वॉच टू स्पोर्ट्स और यहाँ पे डीजो वॉच टू में आपको टोटल आपको 10 दिन की बैटरी लाइफ देने को मिलती है। लेकिन रियल टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे जो डीजो वॉच टू है आपको इतना अच्छा बैकअप नहीं देता है, यहाँ पे इसको आप मैक्स यूज करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको ये 2-3 दिन का ही बैटरी लाइफ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डीजो वॉच टू स्पोर्ट्स आपको थोड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे 3-4 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो डीजो वॉच डी है इस पर आपको यहाँ पे 7 दिन का तो बैटरी लाइफ मिल जाना चाहिए, अभी अभी नया है तो मैंने टेस्ट करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली अभी जितना परसेंटेज यहाँ पे अभी बैटरी लाइफ देखने को मिलता है उसी हिसाब से कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ इनके जो सेंसर की एक्यूरेसी की, तो ये तीनों यहाँ पे हार्ड सर्फेस पे काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे डीजो वॉच टू स्पोर्ट्स और यहाँ पे डीजो वॉच टू यहाँ पे सॉफ्ट सर्फेस में काम कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉच डी की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे हार्ड सर्फेस सॉफ्ट सर्फेस छोड़ दो, यहाँ पे अगर आप हाथ पे पहनते हो और थोड़े से भी यहाँ पे हाथ यहाँ पे हिल गया तो भाई यहाँ पे इसके जो टेस्ट वगैरह यहाँ पे फेल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे 10 बार टेस्ट करने जाओगे तो 2 बार यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलती है। बाकी एक्यूरेसी की बात करूँ तो तीनों का यहाँ पे जो मैंने टेस्ट देखा था साइड बाय साइड तो गाइस यहाँ पे आपको 1-2% की डिफरेंस देने को मिलते हैं। और आपको मैं कहूंगा कि भाई ये सारे जो मेजरमेंट्स को आप सीरियस मत लो, ये बस आपके रेफरेंस के लिए है। तो हमेशा की जैसे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे फाइनल की मैं बात करूँ कि आपको इन तीनों में से कौन सा लेना ज्यादा अच्छा रहेंगे, तो भाई अभी के लिए जो डीजो वॉच टू है इसको आपको सिंपली अभी इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है कम देखने को नहीं मिलता है, 2500 से लेकर वहाँ पे 2700 रुपये देखने को मिलता है, और उसी प्राइस के लिए अभी के लिए ये ओर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स मोड कम देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। देखो इतना प्राइस यहाँ पे स्पेंड करो, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस देके जब इसका जो रेगुलर प्राइसिंग 3000 हो जाएगा ये आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले साइज आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है, 1.8 इंच का वहाँ पे डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो बैटरी लाइफ है ये भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मतलब बेटर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा बजट कम है तो डेफिनेटली यहाँ पे डीजो वॉच टू स्पोर्ट्स को आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सारा फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं डीजो वॉच डी के जैसे, कुछ कुछ फंक्शन जैसे आपको काम नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ पे अच्छे से काम कर जाता है। और यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग आपको 2000 से लेकर 2300 रुपये देने को मिलता है, तो कहूँगा कि वन टाइप ऑफ अभी के लिए भी ये ओर्थ रहेगा। जब यहाँ पे इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगा तो अगर आपको बजट की थोड़ी सी दिक्कत है तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको सिंपली जो डीजो वॉच टू को नहीं लेना है। ये थे कुछ डिटेल्स इन तीनों स्मार्ट वॉच के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो जरूर से कमेंट करके बताना, या फिर आप चाहोगे तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, मैं आपको जरूर से हेल्प करूंगा। और अभी के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।